Hello my friends, very good evening to you once again. This is Prabhat Sir channel. Good once again, welcome to this. Last videos में मैंने articles के बारे में पढ़ाया था, noun के बारे में पढ़ाया था, लेकिन fortunately क्या हुआ, सारे student, बहुत सारे लोग viewers थे, मेरे जो dear friends थे, उन्होंने हमको call करके कहा कि सर एक बार बीच में models के बारे में, auxiliary के बारे में मुझे बता दीजिए. तो मैं आज बहुत खुश हूँ, pumped, I feel pumped. मुझे ये कमेंट्स देख के और जो सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि आप मॉडल्स के बारे में बताएं दोस्तों, तो आज मैं आपके मॉडल्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं. हेलो, देखिए यहां मॉडल्स, देयर आर 13 मॉडल्स इंग्लिश ग्रामर नोन एज शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, आउट टू, मस्ट, मे, माई. और उसी का सेमी मॉडल जो तीन होते हुए देखिए यहां 10 है, नीड, डेयर, यूज टू. सो वी हैव 13 मॉडल्स इन इंग्लिश ग्रामर. ओके, अब मॉडल्स का काम क्या है देखिए, पहले ये मैं बताता हूं और इसके लिए मैं टिप्स दे रहा हूं आप सबको, व्यूअर्स को. बहुत सारे बच्चे हैं, देखिए जब आप पूछेंगे ना मॉडल्स, तो 13 आज पढ़ाएंगे, आप कल होकर आप काउंट कीजिएगा, 10 तक आते आते उंगलियां रुक जाती है. ये मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूं. आप जो ट्रिक्स है कैसे लर्न करेंगे, देखिए पहले जो 4 मॉडल्स का पास्ट टेंस याद किए, पेयर कैसे, Shall, should, will, would, may, might, can, could. देखिए 10 हो गया अपने आप, और फिर अब 8 हुआ है, अब 2 क्या लेंगे, out to, जहां should must को हम should से अटैच कर देंगे, तो हो गया 8+2=10. और 3 जो सेमी मॉडल्स होता है नीड, डेयर, यूज टू. तो 13 मॉडल्स आप कभी नहीं भूलेंगे, यू विल एवर जस्ट फॉर नेवर फॉरगेट. अब आइए हम अभी पहला मॉडल जो ले रहे हैं, should और out to और must, तीनों का. अब देखिए यहां क्या होता है, चाहिए. हर बात हम बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग जो अपब्रिंगिंग हुए हैं या मेरा जो इन्वायरमेंट में जो परवरिश हुआ है, हिंदी से इंग्लिश होता है, तो जब हिंदी ट्रांसलेशन हम जानते हैं और करते हैं तो हमारी इंग्लिश आसान से बनती है. अब जैसे मेरे को है चाहिए, तो चाहिए से क्या बात बनाए जो हम इंग्लिश में आराम से कर ले. तो देखिये आपकी सुविधा के लिए मैंने कहा मुझे सवेरे जल्दी उठना चाहिए, यानी मुझे नैतिकता है, जिम्मेवारी है, मेरी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है. यहां मैंने लिखा है शुड आउट टू मस्ट रेफर्स टू मॉरल ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी विथ ऑब्लिगेशन. तो जो नैतिकता की बात हो, जो ड्यूटीज की बात हो, वो तीनों वर्ड हमारा रेफर करता है. तो देखिए मुझे सवेरे जल्दी उठना चाहिए, आई शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. दूसरा था यू शुड बी पंक्चुअल इन द क्लास, तुम्हें क्लास में वर्ग में नियमित और समय पर होना चाहिए, यू शुड बी पंक्चुअल इन द क्लास. ओके, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, फिर है सभी नागरिकों को देश के प्रति वफादार होना चाहिए. यहां भी मॉरल ड्यूटी कह रहे हैं, ठीक है, ऑब्लिगेशंस हैं. तो क्या हुआ, ऑल सिटीजन्स शुड बी या आउट टू बी लॉयल टू द कंट्री. तो बी का यूज कहां होता है, यह भी एक इशारा करूं. देखिए जब मेरे पास एडजेक्टिव हो या नाउन हो तो वहां पर हम मेन वर्ब का देखिए बी का रूप ले लेते हैं, या डायरेक्ट वर्ड है बी. बी भी एक फुल वर्ब है, बी वॉज बीन होता है ना, तो यहां पर वही क्लियर होगा. बी जब यूज कब करेंगे, जब मेरे पास नाउन या एडजेक्टिव होगा, और फुल वर्ब होगा तो बी बिल्कुल नहीं होगा. और फोर्थ सेंटेंस देखिए, छात्रों को सभी शिक्षकों का आदर करना चाहिए. Students should slash out to respect their teachers. अब देखिए यहां पर अब देखो कि बी मैंने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्यों, मेरे पास मेन वर्ब रेस्पेक्ट आ गया. तो यहां पर यह भी एक आपके पास एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है, इफ देयर इज ए फुल वर्ब यू शुड नॉट यूज बी, इफ देयर इज ओनली एडजेक्टिव वर्ब नाउन बी मस्ट कम. उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, उसे ठीक 10 बजे यहां होना चाहिए. ऐसे वाक्यों का प्रयोग हम करते हैं, आप भी करते हैं कई जगहों पर. तो क्या होगा, ही और शी, देखिए यहां भी आपको पता नहीं स्टूडेंट है या मैन है कि वॉमेन है या गर्ल है या कौन है. तो क्या है, ही सी, यानी दोनों मेरे पास च्वाइस है, शुड और आउट टू बी हेयर एट 10 शार्प. शार्प मतलब ठीक 10 बजे. और यहां देखिए एट 10, चूंकि जब हम टाइम को शो करते हैं तो वहां हमारा एट हो जाता है, जो घड़ी का है बजे, बजे का मतलब वहां पर एट का प्रयोग करते हैं. ओके, आप नेक्स्ट अभी हम बताएंगे आपको मस्ट के बारे में. अब मस्ट के बारे में आप देखिएगा, यस माय फ्रेंड्स, तो अभी आपने कहा शुड और आउट टू का प्रयोग देखा, अब आप मस्ट के बारे में जानिए. मैंने लिखा भी था मस्ट मीन्स, देखिए यहां लिखा हो अवश्य, चाहिए, बाध्यता,
कंपल्सन मैंडेटरी, जहां पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिंपल वे में आपने कहा शुड और आउट टू, दोनों एक दूसरे का इंटरचेंज करता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मस्ट थोड़ा सा उससे डिफरेंस है, ये वेट का स्ट्रेस देता है, वेट कहता है। मैंने लिखा है देखा अवश्य चाहिए और बाध्यता। अब उसका देखिए एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ही मस्ट गो टू द क्लास ऑन टाइम, मतलब उसे क्लास में बिल्कुल समय पर पहुंचना ही चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है, ये ऑब्लिगेशन है, मॉरल ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई और ही मस्ट गो टू द क्लास ऑन टाइम, तो क्या हुआ हिंदी भी आप समझ में, उसे वर्ग में या क्लास में एकदम समय पर जाना चाहिए, तो जरूर जाना चाहिए। अब देखिए वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ टू एवरीवन, हम सभी को एक दूसरे से या प्रत्येक लोगों को अवश्य सच बोलना चाहिए, इट मीन्स हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, नेगेटिव बोलेंगे तो नॉट लगा देंगे। अब यहां देखिए सिंपली वे में, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी के साथ, वी मस्ट नॉट स्पीक अ लाई टू एवरीवन या टेल अ लाई। अब आइए अगला, द लेटर मस्ट रीच देयर बाय टुमारो इवनिंग, कितना अच्छा हुआ कहते कि आप भी पढ़ रहे हैं मैं भी पढ़ रहा हूं, सबको क्या बोलता है अरे भाई मैंने चिट्ठी गिरा ये पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं, तो आप बोलते हैं नहीं नहीं कल शाम तक तो उसे मिलना ही चाहिए, तो क्या हुआ द लेटर मस्ट रीच देयर बाय टुमारो इवनिंग, कल शाम तक इस पत्र को वहां अवश्य पहुंच जाना चाहिए। तो यही हुआ आपका मस्ट का यूज, बहुत सारे अभी और जाएंगे, अभी और बता रहा हूं मैं, ओके अब देखिए, अब मैं यहां लिया क्वेश्चन मार्क, मतलब अब हमारा मॉडल का जो शुड और मस्ट आउट टू है तो उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, तो शुड आई लीव नाउ, शुड आई लीव नाउ, इसका मतलब क्या हुआ, क्या अब हमें यहां से चलना चाहिए। और इस वाक्य को ऐसे भी आप बोल सकते हैं, क्या मैं चलूं, जब हम किसी को प्रपोज देते हैं और हम प्रस्ताव रखते हैं तो ऐसे वाक्यों का बोलते हैं कि क्या मैं यहां से चलूं, शुड आई लीव नाउ, ऐसे भी हो सकते हैं। और अगर हम शुड की जगह आउट टू भी कर दें तो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, आउट आई टू, आउट टू आई या आउट आई टू, लीव नाउ, ओके। अब देखिए कभी कभी ऐसा वाक्य बोलता है मैं क्या करूं, अब ऐसे वाक्यों का प्रयोग भी कैसे आता है, क्या है कुछ नहीं आ रहा है, न आना आ रहा है, न है न जय है, न था है न गा है न सपना है, तो कैसे होगा, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होता है। ऐसे वाक्यों का जो हम कहते हैं मैं क्या करूं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, तो देखिए ऐसे वाक्यों का प्रयोग, व्हाट शुड आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, यानी हम एक आपके लिए प्रश्न प्रस्ताव कर रहे हैं। ऐसे वाक्यों का प्रयोग भी हम शुड के मदद से और क्वेश्चन के मदद से हम बना सकते हैं, ओके। अब आते हैं इसका प्रयोग क्या केवल इतना ही में ऑब्लिगेशंस ड्यूटी और बाध्यता या मॉरल ड्यूटी में होता है, तो यहां तो एक अलग है ना कि प्रस्ताव प्रपोजल आ गया, ओके। अब अगर बोले अनुमान, अनुमान भी है तो भी हम अनुमान में हम शुड का प्रयोग करते हैं, जैसे अभी वह सो रहा होगा या अभी उसे अवश्य रूम में सो रहा होगा, तो क्या होगा, ही शुड बी स्लीपिंग राइट नाउ। अब देखिए यहां पर आप बोलिएगा कि अभी उसे सोना चाहिए, अभी उसे सोना चाहिए बिल्कुल सही, लेकिन देखिए डिफरेंसेस देखिए, छोटी छोटी बात में यहां हाईलाइट कर रहा हूं, तब होता ही शुड स्लीप राइट नाउ, अब मैंने क्या दिया ही शुड बी स्लीपिंग राइट नाउ, देखिए यहां बी और बी के बाद जेरंड यानी बिफोर, अब अर्थ बदल गया, क्या हो गया, अभी उसे सोना चाहिए या अभी वह बिल्कुल सो रहा होगा। तो देखिए शुड का प्रयोग चाहिए भी है, बाध्यता भी है, प्रपोजल भी है और मॉरल ड्यूटी भी है, तो ये मेरा शुड का प्रयोग। अब मैं मस्ट का विद रेफरेंस दिखाता हूं कि वर्ड का कहां, अब देखिए मस्ट का मैंने पलाया था ऑब्लिगेशंस ड्यूटी, अब यहां देखिए पॉइंट गौर से देखिए, सियोरिटी सर्टेनिटी और एक्सपेक्टेशन, ये जो तीन पॉइंट है इस पर गौर से देखिए, मस्ट का यूज कितना वैरी कर रहा है, अभी तक ऑब्लिगेशन था, मॉरल ड्यूटी था, अवश्य था, बाध्यता था, अब यहां अवश्य है, निश्चित है, और सबसे बड़ा गेस में भी एक्सपेक्टेशन है, सही है, तो क्या है भाई, अब देखिए हिज ग्रैंडफादर मस्ट बी 90, किसी के दादाजी को आप देखे और आप उसके गेस्चर से पोस्चर से फैसियल एक्सप्रेशन से आप उनको देख के अनुमान कर रहे हैं
कि आपके दादाजी या उसके दादाजी अवश्य 90 के होंगे, उन्होंने बताया नहीं, लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन विद गेसिंग अनसर्टेनिटी है, तो क्या हिंदी हो गई, उसके दादाजी अवश्य 90 के होंगे, 90 वर्ष के होंगे। यहां भी आपका 90 मीन्स एज रेफर कर रहा है, यहां बी मैंने लगाया क्योंकि यहां पर मेरे पास कोई वर्ब नहीं है। दूसरा, ही एंड सी मस्ट बी ब्रदर एंड सिस्टर, वह दोनों यानी लड़का और लड़की जरूर अपना भाई बहन होगा, और उसे होना चाहिए नहीं बोल सकते यहां, या फेशियल है तो देख सकते बोल सकते जैसे हमने आर्टिकल में बताया था, तो क्या हो गया, वह दोनों जरूर अपना भाई बहन होगा, होगा आ गया ना, अब देखिए चेंज हो गया, चाहिए से होगा आ गया, तो भी आपके पास मस्ट का ऑप्शन है। और यहां थर्ड सेंटेंस देखिए, दिस ट्रेन मस्ट बी एट द प्लेटफॉर्म बाय 6 PM, इस ट्रेन को आप चार्ट में गए और बोले आप उसका वेट कर रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, इस ट्रेन को 6 बजे तक अवश्य प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए एज ए पैसेंजर, तो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही, तो दिस इज द एंड ऑफ शुड मस्ट एंड आउट। ओके, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।